जफा और नमी, ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। देखो शेरी, हमने बहुत झूठ झूठ खेल लिया, अब सिर्फ सच खेलेंगे, सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर जो भी होगा ना उसे किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर ले। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना हम आंटी को सब कुछ सच बता दें। मेरी मामा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, बचपन से लेके आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पापा की कमी कभी भी महसूस होने नहीं दी, मेरी फीलिंग्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी। लेकिन अगर आज वो कुछ अपने लिए करना चाहती है, अपने आप को पहले रखना चाहती है, तो मैं क्यों उस रास्ते की रुकावट बनूं? आई शुड बी हैप्पी फॉर हर। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जानती हो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जब वालदेन को मोहब्बत या प्यार देने की बारी आती है तो बच्चे खुद कर्ज बन जाते हैं। अगर मैं अंकल की सगी औलाद होता ना तो कभी भी उनकी खुशियों के बीच में नहीं आ पा। चलो सब कुछ सच सच बता। चलो कुछ बताने की जरूरत नहीं है मामा, वो हमने सब सुन लिया। देखिए आंटी, जाने अनजाने में हम लोगों ने आपसे बहुत झूठ बोले, लेकिन मेरा यकीन माने, हम दोनों आपसे माफी मांगने आ रहे थे और सच बताने आ रहे थे। प्लीज हम दोनों को माफ कर दे। हाँ, लेकिन उस झूठ की वजह से एक सच ने जन्म लिया है, वो सच है आप दोनों की मोहब्बत का सच। क्योंकि अगर तुम दोनों चाहते तो मोहब्बत पाने के लिए कोई भी गलत रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने सच का रास्ता इख्तियार, और वो सच्चाई मुझे दिलावर ने पहले ही बता दी थी। क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, दिलावर ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन हम दोनों आप दोनों के मुंह से सुनना चाहते थे। तो फिर अब मैं ये रिश्ता पक्का समझू? जाओ बारात लाने की तैयारी करो। ठहरिए, यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो बराते हैं। अब ये कौन है? ये मेरा बेटा है, इसको मैंने बुलाया। मगर क्यों बुलाया? अब मेरी शादी पे मेरा बेटा ना, ये कैसे हो सकता है? बी, हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डिटो। वाह जी, हैप्पी फैमिली। तो फिर इस खुशी के मौके पर एक फैमिली पिक्चर हो जाए। स्माइल।